कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। कैपेसिटर डीसी करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या मां करेंगे, डीसी। एसी सोर्स क्वेश्चन है, मान लो मैंने एक ईएमएफ की सोर्स, जो जैसे नॉर्मली मैं ई नॉट साइन ओमेगा टी लेता हूं, पर मैंने ईएमएफ ये लगाई, कहां लगाई, मैंने कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्टेड थे उसमें लगा दी, और मैंने ये देखा उसमें करंट ये आया, जैसे वोल्टेज इतनी लगाई तो करंट ये आया। आपको इसको देखते हुए ये बताना है कि आई टू बढ़ाए कि आई वन बढ़ाए। एक लंबा तरीका, एक्चुअल तरीका, और एक शॉर्टकट। शॉर्टकट तो देखते ही बता दूंगा कैसे करना है, पहले लंबा तरीका। एक्चुअल तरीका तो ये है कि ये आपकी ई की वैल्यू है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या होगा, सी इन टू ई, ये रहा, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इंस्टेंटेनियस चार्ज आ गया। करंट निकालने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस 100 पाई टी की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 100 पाई टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ 100 पाई टी, 100 पाई बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, और यहाँ से 500 पाई बाहर आ गया। ऐसे होता है ना, एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये 100 पाई बाहर आएगा, इधर से 500 पाई भी बाहर आएगा। साइन को मैंने किसी तरीके से कॉस में कन्वर्ट कर दिया प्लस फाइव वन करके, इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट किया, रीजन क्योंकि मेरा करंट कॉस में गिवन है। चलो अंदर का एंगल मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को ये बताना है आई वन या आई टू में से कौन बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका कोफिशियंट ये आया हुआ है, सेकेंड टर्म का कोफिशियंट ये आया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के अंदर कोफिशियंट में 100 पाई बाहर आया था डिफ्रेंसिएशन के टाइम पे, और सेकेंड टर्म में 500 पाई। साफ पता लग रहा है ये वाला कोफिशियंट इससे बड़ा है, तो आई टू ग्रेटर देन आई वन। इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका कोफिशियंट 100 पाई बाहर आएगा, इसका कोफिशियंट 500 पाई बाहर आएगा। तो जिसका अंदर का कोफिशियंट बड़ा है उसका आई टू बड़ा हो जाएगा, आंसर आई टू ग्रेटर देन आई वन। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचने समझ में आ रहा है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के टाइम कोफिशियंट्स बाहर आएंगे जो डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ये आसान है। पीक वोल्टेज इन 200 वोल्ट एसी इज व्हाट, ये 200 वोल्ट एसी है क्या, आरएमएस, और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ई आरएमएस इनटू रूट टू, आंसर मार्क कर लेना। क्लियर है यहां तक, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, एसी सोर्स इज रेटेड 220 वोल्ट, ये क्या गिवन है, ये गिवन है आरएमएस। द एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकंड। 0.01 सेकंड क्या चीज है, 0.01 ही क्यों ली, 15 सेकंड क्यों नहीं ले लिया, 0.01 सेकंड क्या है, क्या खास बात है इसमें, यह खास बात है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। तो पूरा टाइम पीरियड क्या होगा, 1/50, 0.02 सेकंड आएगा। तो 0.01 सेकंड क्या हुआ, टी बाई टू। तो बेसिकली वो टी बाई टू के लिए एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए तो निकलती है, और वो 0.01 सेकंड हाफ साइकिल पूछ रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कह रहा है कि एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए क्या होगी, जीरो हो सकती है। ठीक है, ये तो मैथ से किया, मैं एक सिंपल लॉजिक से बोलता हूँ। अगर आपने साइन फंक्शन लिया 0 से लेके टी बाई टू तक, इसकी वैल्यू तो नॉन जीरो होगी, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इनका एवरेज पॉजिटिव ही आएगा, तो आंसर नॉन जीरो है। लेकिन अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा बनता है कॉस की तरह ऐसे, तो कॉस का मतलब ये क्या बनेगा, टी बाई टू। टी बाई टू देखो, कॉस के अंदर आधी वैल्यू पॉजिटिव है और आधी वैल्यू नेगेटिव है, आपस में क्या कर गई, कैंसल, आंसर जीरो आएगा। चेक कर लो, कॉस फंक्शन में जीरो से टी बाई टू जीरो आ रहा है, साइन में जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मे बी जीरो, फंक्शन पे डिपेंड करता है, वो आपने ग्राफ या फंक्शन क्या लिया, तो आंसर जीरो आ सकता है। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या आंसर देना है इसका। तो जरूरी नहीं है कि नॉन जीरो ही होगा,
हाँ नॉन जीरो तब होगा जब साइन फंक्शन है, और हमने अपनी थ्योरी सारी साइन के साथ बनाई, कॉस के साथ बनाई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिली सेकेंड जब एसी के साथ कनेक्टेड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स क्या है, एक चीज़ समझ लो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ पीरियोडिकली अपने वैल्यू को चेंज करती है, जैसे SHM है, पेंडुलम पीरियोडिकली डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी, यहाँ से जाना फिर यहाँ से वापस आना, तो कैपिटल टी, जाना और आना दोनों कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन पेंडुलम के होता क्या है, पेंडुलम में मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो डिस्प्लेसमेंट, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 0, -1 -2 -5, फिर 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर की जाती हैं, तो जाना और आना टाइम पीरियड टी है। पीरियोडिक मोशन में पेंडुलम में टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी टी नहीं होता, T/2 होता है। एनर्जी का टाइम पीरियड हमेशा पीरियोडिक मोशन में T/2 होता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम 10 जूल है, 0 हो गई फिर मैक्स 10 हो गई, एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है, तो 10 से वापस 10 हो गई, तो एक उसका चक्कर पूरा हो गया, जो कि T/2 टाइम पीरियड है। तो एनर्जी का टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा किसी भी पीरियोडिक मोशन में, T/2। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम हो गई, देखो पेंडुलम है, एनर्जी मैक्स से मिनिमम हो गई, मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम T/2 टाइम पीरियड में हुई, मैक्सिमम से मिनिमम कितने टाइम में हुई, T/4 में, मैक्सिमम से मैक्सिमम टी में हुई, मैक्सिमम से मिनिमम T/4 में। तो तुम्हें ये जो टाइम गिवन है ना, ये T/4 गिवन है, टाइम पीरियड निकाल लेना, वहां से फ्रीक्वेंसी आएगी, यहां से कैपिटल टी निकाल लेना। तो ये टाइम तुम्हें T/2 नहीं गिवन, ये टाइम तुम्हें T/4 गिवन है। वैसे भी एलसी ऑसिलेटर याद कर लो, एलसी ऑसिलेशन में बहुत सारे डायग्राम बने थे, एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम T/4 टाइम पीरियड में हुई थी, T/4 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 और T/4, याद करो पीरियोडिकली चेंज हो रही थी, ये T/4 है। इसका आंसर इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स में रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस ऑफ द सीरीज एलसी कॉम्बिनेशन, तो आपको क्या निकालना है, रिएक्ट। अब रिएक्टेंस क्या होती है, XL XC की नेट डिफरेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं, XL माइनस XC ये रिएक्टेंस है। अब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जब XL XC के इक्वल भी होगा और रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 0। अगर तो ये बड़ा हुआ इससे तो XL पॉजिटिव है, अगर ये बड़ा हुआ XC नेगेटिव है, X नेगेटिव है, और अगर बराबर हुए तो 0 है, एक ही आंसर है ये रहा। देखो यहाँ पे 0 भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो डी आंसर है। ठीक है, सारे केसेस में हो रहे हैं, 0 का भी हो रहा है, पॉजिटिव का भी हो रहा है और नेगेटिव का भी हो रहा है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, सीरीज एसी सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ आर पता है और रिएक्टेंस पता है, इंपीडेंस निकालने तो आसान है, आर पता है रिएक्टेंस पता है, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला आंसर 7th है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर आर यूज इन एसी ओनली, डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, एसी में यूज करना है सिर्फ। नेक्स्ट है वो कॉस है, साइन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने ऐसे किया हुआ है कि अगर आपके, अगर आपको याद हो मैंने आपको लिखवाया था बुकलेट में, जैसे आपके पास कोई करंट है 3 sin ωt +4 cos ωt, और मैं करंट का एम्पलीट्यूड निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम करंट, तो मैंने शॉर्टकट बताया था साइन और कॉस के कोफिशेंट का स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम करंट है, तो इसके अंदर यही तो हो रहा है। इसके अंदर जो आई की वैल्यू वो क्या है, आई की वैल्यू है I1, जो आई की वैल्यू है वो है I1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ऑफ ओमेगा टी, और अगर मैं कहूँ I0 निकाल लो मैक्सिमम, तो क्या आएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और उसने RMS बोला, RMS करंट क्या होता है I0/√2, इसका मतलब कि तुम जो भी इसमें करंट निकाल रहे हो इसको √2 से क्या कर देना है, डिवाइड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो इनके जो कोफिशियंट का स्क्वायर होगा वो हमेशा आपको I0 ही देगा, फिर I0 से RMS वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये रूल क्या है इसमें। जैसे नेक्स्ट है, ऑल्टरनेटिंग करंट हैविंग अ पीक वैल्यू, पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, I0 गिवन है, इज यूज टू हीट अ मेटल वायर, तो एक एसी को मेटल वायर में डाल दिया उसको गर्म करने के लिए, टू प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट, कॉन्स्टेंट करंट क्या यूज करें, एसी
पास करने की बजाय उसका आईआरएमएस पास कर दो। आईआरएमएस वही काम करेगा, उतनी ही हीट जनरेट करेगा जो अल्टरनेटिंग करंट पास करता है। तो इसलिए तुम्हें क्या निकालना है, आईआरएमएस निकाल देना है। आई नॉट आपको पता है, आईआरएमएस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू इज द आंसर। तो एसी का कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट करंट को क्या बोलते हैं, आईआरएमएस। ठीक है, कॉन्स्टेंट करंट 2.8 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ रेजिस्टर, तो आरएमएस करंट क्या होगा? देखो जो कांस्टेंट करंट है डीसी, उसके इक्विवेलेंट आईआरएमएस ही डीसी होता है। मतलब डीसी करंट इज इक्विवेलेंट टू आईआरएमएस इन एसी, एक ही बात है। तो जब वर्ड कांस्टेंट आ गया और कुछ मेंशन नहीं है कौन सा करंट है, वो वैसे भी आईआरएमएस ही कहलाएगा। तो यही आईआरएमएस करंट है, बात ही खत्म। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन है, एन इंडक्टर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन सीरीज, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया फ्रॉम वेरी लो वैल्यू, तो रिएक्टेंस क्या होगी? इंडक्टर की तो बढ़ेगी क्योंकि ओमेगा कम है, ओमेगा बढ़ रहा है, एक्सएल बढ़ जाएगा, इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ जाएगी, बात खत्म। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, रिएक्टेंस होती क्या है, एक्स एल माइनस एक्सी को नेट रिएक्टेंस बोलते हैं, ये जीरो है। ऐसा कब हो सकता है, जब या तो एक्स एल एक्सी के इक्वल हो या दोनों के दोनों ही हो ही ना, या तो एग्जिस्ट ही ना करें या फिर दोनों बराबर हो। तो वही तो कह रहे हैं कि ऐसा कब हो सकता है, जब सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हों और दोनों का एक्स एल एक्सी बराबर हो जाए तो भी नेट रिएक्टेंस जीरो, या फिर कोई इंडक्टर या कैपेसिटर हो ही ना, बातें खत्म। दोनों में से कुछ भी नहीं होंगे तो भी एक्सएल एक्सी नहीं होगा, सिर्फ आर हो जाएगा, और अगर दोनों होंगे और अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए तो भी नेट रिएक्टेंस जीरो हो सकती है। सही है। नेक्स्ट एसी सीरीज सर्किट इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो जब वोल्टेज मैक्सिमम है। मुझे एक बात बताओ, करंट जीरो है जब वोल्टेज मैक्सिमम है, इसका मतलब एक साइन है, कॉस है, क्योंकि जैसे अगर मान लो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जब जब ईएमएफ जीरो है, ओमेगा टी जीरो है, जब ओमेगा टी जीरो है तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि एक साइन है एक कॉस है। साइन कॉस का मतलब वोल्टेज और करंट में एंगल कितना है, पाई बाय टू है। तो जब भी आपका एंगल पाई बाय टू होगा करंट और वोल्टेज में, तो करंट मैक्स या वोल्टेज मिनिमम या वोल्टेज मिनिमम करंट मैक्स होगा, पक्की बात है। ऐसा कब हो सकता है, जब प्योर इंडक्टर है। वो क्यों, प्योर इंडक्टर में क्योंकि करंट में और वोल्टेज में एंगल क्या होता है, 90 हो सकता है। जब प्योर कैपेसिटर हो सकता है करंट में और वोल्टेज में एंगल कितना है, 90 अब भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये देखना है वोल्टेज और करंट में कब एंगल 90 है। और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर भी हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों लगे होंगे और मान लें VL greater than VC है तो नेट वोल्टेज कहाँ आएगा, VL माइनस
वीसी जो अब भी करंट के साथ एंगल क्या बना रहा है, 90। तो तीनों केस पॉसिबल है। तो वोल्टेज और करंट में हर हालत में एंगल 90 हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है, एन इंडक्टर कॉइल हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन एसी सोर्स, ये एलआर सर्किट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल, तो एवरेज वैल्यू कब जीरो है, कौन सा सर्किट है, एलआर सर्किट है। अच्छा देखो, एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट है या एल सर्किट है या एल आर है, एल आर के अंदर जो भी वोल्टेज बनेगी या करंट बनेगा साइन या कॉस में बनेगा, कुछ भी आंसर आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव कुछ तो बनेगा, साइन या कॉस जो भी फंक्शन बनेगा उसका ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होती है। साइन या कॉस की इंटीग्रेशन तो जीरो ही होती है, जीरो से क्या टी तक, क्योंकि इसने हाफ साइकिल नहीं बोला, क्या बोला, कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू हमेशा आंसर क्या देती है, जीरो ही देती है। तो आंसर जीरो होगा किसमें, करंट में भी और ईएमएफ में भी। नेक्स्ट है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है, बाय यूजिंग डीसी या एसी डायनमो, डायनमो का काम यही है बिजली पैदा करना। एसी सोर्स जिसकी आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट है और करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, आई आर एम एस है, वी आर एम एस है, तो एवरेज पावर डिलीवर्ड टू दी सोर्स क्या होगी। अब देखो फाई तो केवल ही नहीं है, अब एवरेज पावर होती क्या है, ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। ई आर एम एस पता है, आई आर एम एस पता है, ये वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम पावर कब हो सकती है, जब कॉस थीटा 1 है, मिनिमम क्या हो सकती है, जब 0 है, तो यानी कि एवरेज पावर 0 और 1000 के बीच में लाई कर सकती है। तो ऑप्शन मार्क कर लो, मे बी 1000 बिल्कुल हो सकती है, मे बी लेस देन 1000 भी हो सकती है, वैसे तो ये भी हो सकती है, मेरे डी ऑप्शन भी हो सकता है, मे बी लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस असाइनमेंट को किया जा रहा है, ठीक।